हेलो एवरीवन, सिविक्स में चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट किया था, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये इसका लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसको ज़रा सा। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात किया पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट में कौन कौन सी हाउसेस होती हैं और पार्लियामेंट जो है क्यों ज़रूरी है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो लोग होते हैं, जो पीपुल्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, सिटीजन्स ऑफ किसी कंट्री हैं, वो अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का उन्हीं को क्यों राइट होना चाहिए अगर आप वहाँ डेमोक्रेसी है, तो उसके बारे में सारा बात हो गया था। इसमें ये बात करेंगे कि जो पीपल हैं, ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट करते हैं तो उनका क्या होता है कि उनको कुछ आइडेंटिटी दी जाती है। क्या दी जाती है उसके बारे में जानते हैं ज़रा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आइडिया आता है किसका, डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी का आइडिया चलता है जिसको बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट का मतलब आप हमसे आ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, हम कह रहे हैं ठीक है जाइए करिए, तो उसको बोलते हैं कंसेंट, यानी सहमति। क्या होती है? सहमति। तो डेमोक्रेसी जो है इसी आइडिया पर चलती है कि आप हमसे कंसेंट लीजिए। तो वो कंसेंट किस बात का होना चाहिए? डिज़ायर का, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इसके आइडिया पर चलती है। कंसेंट दिया तो लोगों के डिज़ायर उसमें शामिल हो गए, उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया। अपना जब वोट देने जाते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर चार कैंडिडेट खड़े हैं तो कैंडिडेट ए बी सी डी, हम ए को चुन रहे हैं, ये हमारी डिज़ायर है, उसको मैं अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूव कैसे होगा? अप्रूव इस बात से होगा क्योंकि हम जैसे अपना बटन क्लिक करेंगे तो ये हमने अप्रूव कर दिया कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में। और पार्टिसिपेशन कैसे हो गया पीपल्स का? जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होता है वो जाके क्या कर रहे हैं कि अगर वोटिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन डन हो जाता है। उसके बाद में सपोज दैट कि कोई भी एक कंस्टिट्यूएंसी है, कंस्टिट्यूएंसी मैंने बताया था कि जितने भी स्टेट्स होते हैं हर एक स्टेट को अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पे अलग अलग सीटें दी जाती हैं कि हाँ इस स्टेट को हम इतनी सीटें देते हैं, यानी सीट का मतलब इतने क्षेत्र में डिवाइड करें, उस सिंपल से वाले जो छोटा वाला क्षेत्र होता है। ये जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, मान लो एक स्टेट था, ठीक है, इस स्टेट को पॉपुलेशन इसकी कुछ थी तो इसको हमने फोर सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो ये हर एक सेक्शन को, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो हर एक सेक्शन को क्या बोलेंगे? कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। यानी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोग यहाँ से जाएंगे, दूसरे यहाँ से जाएंगे, तीसरे यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएंगे, हर एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस कंस्टिट्यूएंसी को, चूंकि इलेक्शन अगर होता है किसके लिए, अगर ये इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए हो रहा है, तो इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। क्या बोलेंगे? जनरल इलेक्शन। लेकिन अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन करना है तो इसको बोलते हैं, वो लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, लेजिस्लेचर का या स्टेट इलेक्शन होने जा रहा है, इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में बेसिकली जो भी मेंबर्स चुन के जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये पार्लियामेंट में जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन, और पूरे देश के लिए होता है। इसमें होगा तो हर एक जो यहाँ पे सेगमेंट बनाया जा रहा है एरिया का, उसको बोलते हैं लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। क्या बोलेंगे? लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। 1, 2, 3, 4 ऐसे नामिंग कर दिया जाएगा। अब हर एक कंस्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट होंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को, पार्टिसिपेट करेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे, फिर चुनाव होगा, लोग जाएंगे वोट देंगे। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लोगों ने, मान लिया कि 4 लोगों ने यहाँ गए, पर्चा दाखिल किए, 4 लोगों को कुछ ना कुछ वोट मिला। अब 4 लोगों में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो कहा जाएगा कि वो जीत गए, तो ये विनर हो गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के। सेम प्रोसेस दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही टोटल इंडिया में अभी कितने, 530 कंस्टिट्यूएंसी बनाए गए हैं अभी इंडिया में टोटल। तो इतने लोग चुन करके जाते हैं पार्लियामेंट में, समझ में आई बात? तो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि भाई कौन जीत रहा है, और उनकी डिज़ायर भी प्रकट हो गई। सेकेंड, दूसरा ये कि पीपल का पार्टिसिपेशन क्या हो, जो डिसीजन लिया लोगों ने वही क्रिएट कर रहा है, वही क्रिएट कर रहा है किसको, जो गवर्नमेंट बनी उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। और यही वो लोग हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कैसे करेगी। लेट्स से 2000
19 में, अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है पिछले साल में, तो यहाँ जो गवर्नमेंट इलेक्ट हो गया ये 5 साल काम करेंगे। सपोज दैट कि अभी कह सकते हैं कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, इसके रूलिंग पार्टी में है, ठीक है, ये फंक्शन कर रही है, तो ये जो लोग हैं इन्होंने एक बार इनको मौका दिया, फंक्शन करेंगे 5 ईयर्स, अगर इनका काम लोगों को अच्छा लगा, फिर 5 साल के बाद यानी 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, तो होगा तो लोग ही डिसाइड करेंगे कि ये गवर्नमेंट पावर में रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर लोगों की मर्जी। अगर इनके काम से खुश होंगे तो फिर इलेक्शन में इनको जितवा देंगे, अगर काम से ना खुश हुए तो किसी और को वोट दे देंगे, हार जाएगी पार्टी, तो फंक्शन को भी डिसाइड करते हैं। तीसरा जो बेसिक आइडिया है ना डेमोक्रेसी का, ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल, हर एक कंट्री में रहने वाले हर एक सिटीजन का जो वैल्यू है वो काउंट किया जाता है, और यही प्रिंसिपल भी है गवर्नमेंट का कि वो काम करे, जो भी इनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या होंगे फ्यूचर में, तो वो उनको लोगों के ट्रस्ट पे ही काम करना पड़ेगा। अगर लोगों का ट्रस्ट वो खोएंगे, जैसे कि कोई भी कानून बना दिया, कोई भी लॉज बना दिया लोगों के खिलाफ, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये ट्रस्ट जो होता है ना सिटीजन्स का, एक बार खोने के बाद में अपनी कुर्सी खो देंगे, तो ये डेमोक्रेसी में एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है लोगों के लिए अकाउंटेबल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो भी पार्लियामेंट है, अब मैंने जो एग्जाम्पल देके समझाया ऐसे 4 सेक्शन से, एक एक लोग जो चुन के, जिनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, तो ये बोला कि हाँ इस इलाके से, या सपोज दैट कि कुशीनगर में आप लोग रहते हो, तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से या कंस्टिट्यूएंसी से कोई फला नाम का व्यक्ति गया, तो ये आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। भले ही डिस्ट्रिक्ट के 10 लोगों ने इनको वोट दिया है और बाकी 10 लोगों ने किसी और को, लेकिन जो जीतेगा, जो जीत रहा है ना, उसी की वैल्यू हो जाती है लास्ट में। तो हम बोलेंगे कि पूरे जिन्होंने वोट दिया था इस बंदे को या जिसने नहीं भी दिया था, तो जो भी जीत के जा रहे हैं आगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरे कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे लोगों को। अब अलग अलग इलाकों से जो सारे लोग जा रहे हैं, तो जो जा रहे हैं तो जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है, पार्लियामेंट को काम कर रही है, वो तो साथ में काम करेंगे, उनको कंट्रोल भी करेंगे, उनको गाइड भी करेंगे गवर्नमेंट को कि काम कैसे करना है नहीं करना है। अगर गलत गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ उनसे क्वेश्चंस करेंगे, उन पर दबाव डबल बनाते हैं जरूर कि हाँ आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई। अब पार्लियामेंट भी बन चुका है सारे जो, अच्छा जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं इनको बोलते हैं एमपीज, क्या बोलेंगे, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोग गए तो इनको क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट में सारे लोग पहुंच गए, अब जब सारे लोग पहुंचते हैं तो अब देखो पूरे देश के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे ये काउंट किया जाएगा कि किसके सबसे ज्यादा एमपी जीते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के, राइट। तो ऐसे काउंट किया जाएगा, सपोज दैट कि बीजेपी के, अब मैंने जैसे बोला कि 530 जो है स्टेट से ये चुन के जाते हैं, और जो 15 सीट्स हैं ये रिजर्व रखी गई यूटीज के लिए, जितने हमारे यूटीज हैं, यूटी समझ रहे हो ना, यूनियन टेरिटरीज, और 530 स्टेट से, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आ जाते हैं 530 में, और 15 होता है यूटी के लिए फिक्स है। तो ये जो 530 में से लोग चुन के गए, तब इसमें देखा जाए मेजोरिटी चाहिए सीट, मेजोरिटी कैसे मिलेगी, इसका हाफ कर दीजिए आप, हाफ कैसे होगा, अब टोटल जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 545, क्या हो गया 545, 545 का जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, ये अराउंड में 272.5 हुआ ना, 272.5 ऐसे कुछ मिलेगा हमें। इसका मतलब कि अगर किसी भी पार्टी को अगर अपना गवर्नमेंट बनानी है किसमें, सेंटर में, तो उनको इससे ज़्यादा ही सीटें हाँ चाहिए, यानी इस पार्टी के इतने ज़्यादा एमपी जीतने चाहिए। कितने हो गए, 273, ये डाटा समझना आप, 273। यानी सपोज दैट कि दो पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो गई दूसरी तरफ बीजेपी हो गई, तो अगर बीजेपी के 273 एमपी जो जीत रहे हैं उनकी पार्टी बन जाएगी, वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, और कोई दूसरी पार्टी है कांग्रेस के, अगर इससे अगर उसके ज़्यादा हो रहे तो वो पार्टी गवर्नमेंट बना लेंगे।
मेजोरिटी सीटें चाहिए, मेजोरिटी एमपी उनके जीतने चाहिए, तो क्या बन जाएगा आपका, गवर्नमेंट बन जाएगी आपकी, ये चलता है इसमें। दूसरा कंडीशन अगर हो गया कि किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी सीटें मिले ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, हाँ अगर, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, अगर 273 से किसी भी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो उसको बोलते हैं मेजॉरिटी पार्टी, और जिसको कम सीटें मिलती हैं उनको बोलते हैं माइनॉरिटी पार्टी। ये क्लास 7 में भी हमने बताया था आपको, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में सपोज कि अगर कोई किसी की सीटें यहाँ तक पहुँची ही नहीं, तो कौन गवर्नमेंट बनाएगा? तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि जो भी सबसे ज़्यादा सीट जिस पार्टी को मिला हो, इतना नहीं लेकिन इससे कम, अगर मान लो कि 150 मिला है किसी को, 140 मिले, 140 मिल गए, तो दोनों ये हो गए ना टॉप वाली, तो जो टॉप वाली गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, छोटी छोटी और पार्टियाँ हैं उनके एमपीज को मिला करके एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना सकती है, पावर में आ सकती है, ये प्रोसेस होता है। तो बात आ गई समझ में? तो अब ये बात करते हैं कि आखिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट तो बन गई, अब ये पार्लियामेंट काम कैसे करती है, पार्लियामेंट काम कैसे करेगी? तो सबसे पहली बात, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो लोगों के फेथ का एक जीता जागता उदाहरण है, कि लोगों ने विश्वास रखा है कि पार्लियामेंट ही वो बॉडी है जो हमारा नुकसान नहीं होने देगी, स्टेट को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता। ये लोगों का विश्वास होता है पार्लियामेंट के ऊपर, तो पार्लियामेंट का वैसे तो बहुत अच्छा रोल है डेमोक्रेसी में। दूसरा, जब बात करते हैं पार्लियामेंट के अपने सिस्टम में, तो ये जो पावर्स हैं ये पावर्स मिल किससे रहा, जो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स, लोगों के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के गए हैं उनके द्वारा ये सिस्टम काम कर रहा है। अब मैंने जैसे बताया कि जो पार्लियामेंट में टू हाउसेस होती हैं, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं आरएस यानी राज्यसभा, जो जितने मेंबर चुन के जाती है पार्लियामेंट के लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा यानी लोगों का सभा, लोकसभा हम जानते हैं, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, ये 5 साल का। और जो पूरी की पूरी कंट्री है वो डिवाइडेड होती है कंस्टिट्यूएंसी में, सारा मैंने डिस्कस कर दिया पहले ही, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक लोग चुन के जाते हैं, एक जो मेंबर जो चुन के जाते हैं, अब वो कैंडिडेट अगर विनर होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, और ये एमपी सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, पार्लियामेंट बना लिए, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हो गई, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सारे मेंबर किस में चुन के जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या बोलेंगे दूसरे लैंग्वेज में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। और इसको पता क्या बोलते हैं, राज्यसभा को, राज्यसभा यानी स्टेट की काउंसिल होती है, यानी इसको बोल सकते हो आपकी ये स्टेट, जितने हमारे स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, ये फंडा होता है काम करने का। अब ये जो है लोकसभा, ये काम करता है 5 साल, 5 साल यानी 5 साल पे, हर 5 साल पे इनके इलेक्शन करवाना पड़ता है। और राज्यसभा का काम करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।